देहरा के राजकीय प्राथमिक स्कूल खैरिया में बरसात की वजह से दीवार गिर गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत ये रही कि उस समय बच्चे स्कूल अभी पहुंच रहे थे। सुबह 8 बजे के लगभग 10 मिनट पहले ही ये हादसा हो गया। आपको बता दें, स्कूल का भवन पिछले कई सालों से क्षतिग्रस्त था, जो कि आज आधा गिर गया। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान सरदार अमरजीत सिंह ने कहा कि उनके परिवार के 4 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग स्कूल भवन को बनाने की अनुमति नहीं दे रहा। प्रधान श्री अमरजीत, इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और इसी स्कूल से पढ़ बढ़कर आगे पहुँचा हूँ, तो मेरे बच्चे भी आज इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये बताकर खेद हो रहा है कि यहाँ मेरे बच्चे आ रहे हैं, अगर उनको कुछ हो जाए, अगर दीवार गिर जाए ऊपर, तो उसको कौन जिम्मेवार होगा? इसी गांव में पूरे पढ़ रहे हैं बच्चे, तो आज उनको बैठने के लिए यहाँ जगह नहीं है, इधर बैठ रहे हैं उधर बैठ रहे हैं, अगर जो किसी को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? आगे पीछे सभी जगह बूटी या कुछ भी है। तो FIR केस जो है वो हमने DC ऑफिस भेज दिया धर्मशाला में, तो उसके चलते साथ में हमारे माननीय विधायक श्री हुशियार सिंह ने 6 लाख रुपया अनुदान राशि दे दी है, और अगर ये FIR केस क्लियर हो जाए तो उसी वजह से रुका हुआ है, अगर जो वो क्लियर हो जाए तो इसका निर्माण हो सकता है। धन्यवाद। इसी FIR की वजह से हमारा ये काम रुका हुआ है, अगर ये क्लियर हो जाए तो, अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाए इस मतलब बिल्डिंग के गिरने से, तो कौन जिम्मेवार होगा? इसका जिम्मेवार सरकार होगी या कौन होगा? इसको हमें विस्तारपूर्वक बताया जाए। खैरिया में हमारे ही हलके में, विधायक साहब के हलके में, एक स्कूल जो है, स्कूल की दीवार गिरी है। सन 1985 में इस स्कूल का निर्माण, 2 कमरे जो बने ये प्राइमरी के, ये PPP मोड में बने, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी। लोगों ने 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का योगदान दिया और सभी ने 4 पैसे इकट्ठे कर इसका, इन कमरों का निर्माण करवाया, ताकि बच्चे यहाँ पर शिक्षा ले सकें। लेकिन उसके बाद बीच में इसकी एक दीवार गिर गई। इसका मेन कारण ये रहा कि फॉरेस्ट विभाग कोई भी कार्य यहाँ पर, चाहे वो इसकी रिपेयर का हो, चाहे नालियाँ निकालने का हो, कोई भी कार्य करने नहीं देते हैं। तो फिर आज से जो पहले की जो पंचायत थी, पंचायत प्रधान थे, उन्होंने भी कोशिश की, और उसके बाद हमारी नई पंचायत बनी यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत भरपूर कोशिश की कि इसका कोई ना कोई हल किया जाए। तो जो अभी हमारी जो पंचायत है, उन्होंने इसका FIR केस करवाने के लिए FIR केस तैयार करवा करके DPO ऑफिस धर्मशाला में पहुँचाया। हमारी ये फाइल रेडी है। बड़े दुख का विषय है कि हमारा हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 पर रहा और अभी इसका नंबर 2 है, और हमारे अपने ही क्षेत्र के सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जो कि FIR के लिए, FIR के कारण नहीं बन पा रहे हैं। हमने, विधायक जी ने अपने प्रयत्नों से इसके लिए FIR केस के लिए 6 लाख रुपए का प्रावधान SC SP कंपोनेंट में किया है, और आने वाले समय में विधायक महोदय का कहना है कि इसमें नए कमरों का निर्माण किया जाएगा और स्कूल को, स्कूल की उन्नति के लिए हर कार्य किए जाएंगे, ताकि बच्चे यहाँ पर अच्छी शिक्षा, सर्व शिक्षा माध्यम से, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकें। धन्यवाद। और मेरा उपस्थित, जहाँ से मेरी पृष्ठभूमि शुरू होती है, मैं 1988 में यहाँ से मैट्रिक पास की थी। उस टाइम में वो स्कूल की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है? ये जो हमारा प्राइमरी स्कूल है गिर चुका है, वो पिछले 2 साल से गिर रहा है, लेकिन हमारे विधायक, स्थानीय विधायक जब वो हुशियार सिंह जी बने, उन्होंने 6 लाख रुपए इसके लिए सैंक्शन करवाया अपने एफर्ट से, SP कंपोनेंट से, SC SP कंपोनेंट से। लेकिन उसको लगने के लिए देरी क्यों हो रही थी? वो था एक FIR केस, और FIR केस के लिए यहां पे सारे एफर्ट्स किए गए, और FIR केस आज की डेट में DPO ऑफिस में पहुंच चुका है। बहुत जल्दी हमारे माननीय विधायक के योगदान से वो केस जो है बहुत जल्दी फाइनल होने वाला है, और ये काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश जो आज जो ये कार्य हुआ है,
हम कुछ लोग जो हैं यहाँ का उसका नजायज फायदा भी ले रहे हैं, फोटो खींचना सभी का के लिए। मैं मानता हूं कि कम से कम 100 दिन लगता सर, 100 दिन लगता है और 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं तो डीसी साहब से भी ये बात बोलूंगा कि आप इस बात को सोचिए कि आपके जो नुमाइंदे हैं जहां पे वहां FRC केस क्लियर होता है, फॉरेस्ट ऑफिस में जाओ या BD ऑफिस में जाओ, हर बार जब जाओगे तो आपको 35 फाइलें नहीं दी जाती हैं, 35 फॉर्म नहीं दी जाते हैं कि आपकी ये नई डिमांड है। ये पिछले 3 साल से हो रहा है। लेकिन हमारा जो ये स्कूल का केस है DP ऑफिस में पहुंच चुका है, 6 लाख इसके सैंक्शन हैं और बहुत जल्दी ये कार्य शुरू होने वाला है विधायक हुशियार सिंह के कारण और विधायक हुशियार सिंह के नेतृत्व में। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए देहरा से गुरुदेव राणा की रिपोर्ट।